दोस्तों आपने फ्रेंड के थ्रू या आपने मम्मी पापा या आपने से बड़ों के थ्रू या टीवी या किसी अदर सोर्स के थ्रू आपने इससे पहले जरूर यह शब्द सुना होगा सिटी स्कैन। क्या आप जानते हैं सिटी स्कैन क्या होता है और ये क्या काम करता है? आज की इस वीडियो में आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश वाइगर टेक्निकल्स के एक फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाइगर टेक्निकल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सिटी स्कैन को हम कंप्यूटर टोपोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। सिटी स्कैन एक एक्सरे का ही अपग्रेडेड वर्जन होता है और सिटी स्कैन को हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसे हम कंप्यूटराइज्ड एक्सरे टोपोग्राफी या CAT कैट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आप बात करते हैं कि सिटी स्कैन काम क्या करता है। एक्सरे की तरह सिटी स्कैन भी हमारे विभिन्न बॉडी के विभिन्न पार्ट्स की फोटो क्लिक करके हमें उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कराता है, पर सिटी स्कैन एक्सरे से कई ज़्यादा हमें बेटर रिजल्ट देता है। सिटी स्कैन फिर चाहे हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट हो, चाहे चेस्ट, पेट, कमर या हमारा हाथ हो, तो उसकी संबंधी सारी जानकारियाँ हमें प्राप्त कराता है। इसके अलावा सिटी स्कैन हमारे सर का, यहाँ तक कि हमारी हड्डियों का और ब्लड वेसल्स का भी हम सिटी स्कैन करा सकते हैं और उससे संबंधित हमें सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दोस्तों आप बात करते हैं कि सिटी स्कैन काम कैसे करता है। सबसे पहले यूजर्स को एक टेबल पर लेटा दिया जाता है जो कि एक स्लाइडर टेबल होता है और स्लाइडर टेबल डायरेक्ट ही स्कैनर से जुड़ा रहता है जो कि एक सर्कल के आकार का होता है। स्लाइडर टेबल की मदद से यूजर को अंदर बाहर आराम से आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद एक्सपर्ट एक पर्टिकुलर पार्ट की इमेजिंग शुरू कर देते हैं। जब भी हम सिटी स्कैन कराते हैं तो बॉडी के इनर पार्ट्स के पर्टिकुलर पार्ट की स्कैनिंग शुरू हो जाती है, जिसमें हम अलग अलग एंगल से उस पर्टिकुलर पार्ट की इमेजिंग शुरू करते हैं। इमेजिंग शुरू होने के बाद जब कंप्यूटर की मदद से उन सारी इमेजों को हम एक साथ जोड़ देते हैं, उसके बाद जो हमें इमेज प्राप्त होती है तो उस पर्टिकुलर पार्ट की हमें सारी जानकारी प्राप्त करा देती है। इस इमेजिंग के टाइम में लगभग हमें 10 से 90 मिनट का टाइम लग जाता है। ये डिपेंड इस बात पर करता है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट की हम इमेजिंग कर रहे हैं। कहीं सिंपल सी हम पांव या हाथ की इमेजिंग कर रहे हैं तो 10 से 30 मिनट के आसपास हो जाता है, लेकिन पेट या फिर चेस्ट की स्कैनिंग करने में हमें इससे ज़्यादा टाइम लगता है। दोस्तों एक्सरे और सोनोग्राफी भी काफ़ी सिटी स्कैन से मिलते जुलते हैं, लेकिन जो एक्सरे और सोनोग्राफी से हमें रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं वो सिटी स्कैन से हमें काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों सिटी स्कैन की प्रक्रिया को रेडियोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट कंप्लीट करते हैं। जो भी हमें सिटी स्कैन की रिपोर्ट मिलती है वो इमेजिंग रूप में और रिटर्न रूप में, दोनों रूप में हमें ये आसानी से इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है, जिससे कि हमें अपने उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। दोस्तों जब भी कोई सिटी स्कैन करता है तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने बॉडी पार्ट से सारी मेटल की चीज़ें दूर कर लेनी चाहिए। फिर चाहे हमारा मोबाइल फोन हो, हमारी घड़ी हो, हमारी बेल्ट या हमारी घर की कीज़ हो, उन्हें हमें अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हम सिटी स्कैन करते हैं तो रेडियो एक्टिव रेज और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में करते हैं। मेटेलिक ऑब्जेक्ट के इनके बीच में होने के कारण सिटी स्कैन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या स्किन की प्रॉब्लम है उनके लिए ये काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। सिटी स्कैन कराने से पहले डायबिटीज़ के पेशेंट को और स्किन के पेशेंट को अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए कि हमें इससे संबंधित प्रॉब्लम है, या फिर कभी पास्ट में आपका कभी एक्सीडेंट हुआ हो और एक्सीडेंट के दौरान, फ्रैक्चर के दौरान आपने अपने शरीर में कोई मेटेलिक रोड लगाई हो तो आपको सिटी स्कैन कराने से पहले डॉक्टर को बता देना चाहिए, जिससे कि आपका सिटी स्कैन आसानी से हो जाए और आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों आशा करता हूँ कि सिटी स्कैन से संबंधित आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाइगर टेक्निकल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे जाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।